हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा। आज की जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल और खाने में बहुत ही टेस्टी। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ वेजिटेबल सब्जी बनाने जा रही हूँ और ये मुझे तो बनाने बहुत ही आसान है, तो ये आपको भी बहुत आसान लगेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये देख रहे क्या है, ये पम्पकिन, ये कद्दू भी बोलते हैं इसको कई के जगह में, इसको कौड़ा भी बोलते हैं और इसको कभी सीताफल भी बोलते हैं इसको। तो मैं इसी का सब्जी बनाऊंगी। जब भी मेरा कभी फास्ट होता है या फिर मुझे ऐसा कुछ लहसुन प्याज नहीं खाना होता तो मैं इस तरह के सिंपल सब्जी बनाती हूँ और ये बनाना बहुत ही आसान है और सिंपल तरीके से बनाऊँगी मैं। इसके लिए मैंने हाफ किलो के करीब लिया है मैंने कद्दू। कद्दू यही वाली अच्छी लगती है ज़्यादा खाने में, ये हरी वाली ज़्यादा टेस्टी होती है, जो दूसरी वाली आती है वो ज़्यादा मीठा होता है, इसमें मीठा नहीं रहती है, तो ये ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट रहता है और बहुत अच्छा भी लगता है और जल्दी पक भी जाता है। और कद्दू आप जब भी खरीदें तो इस तरह से गोटा मतलब साबुत वाली खरीदें, आधा खरीदोगे तो कब से काटे होते हैं, सूख जाते हैं, तो अच्छी सब्जी नहीं बनती है, सब्जी पकती भी नहीं है, तो साबुत लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने हाफ किलो खरीद लिया है मैंने, और बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। मैंने लिए हैं थोड़े से आधा टुकड़ा अदरक जो मैंने एक इसको कूट के रखी है, आप चाहे तो पीस के भी ले सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता है और मैं तड़के लगाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ 3 तेज पत्ते और 3 सूखी मिर्ची लिए हैं तड़के लगाने के लिए। और इसमें हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा कलौंजी, आप चाहे तो 5 फुरन या फिर सरसों भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छी बनती है पर मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कलौंजी से। और थोड़ा सा मैं हींग यूज़ करूँगी, हींग तो अच्छी होती है। और मैं यूज़ करूँगी वाइट वाली, जो सफ़ेद वाली तिल आती है ये वाली यूज़ करूँगी, इससे फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। और मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, बस मैं थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब जीरा, कुटी हुई जीरा है, और थोड़ा सा हल्दी, नमक आपका स्वाद अनुसार है ही है, और बनाने के लिए तेल। चलिए पहले कद्दू को काट के स्टार्ट कर लेते हैं, कद्दू काट लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक बर्तन, इसका छिलका हमें नहीं फेंकना है, छिलके के साथ ही काटना है इस तरह से। कई लोग तो इसको बीज के साथ भी बनाते हैं पर मैं बीज ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी, तो इसकी बीज को हम हटा देते हैं जो दाने हैं, और इसको थोड़ा बड़े बड़े साइज में ही काटूँगी मैं, ज़्यादा छोटा नहीं करूँगी क्योंकि जल्दी पक जाते हैं और ये थोड़ा सा बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं कद्दू को। कद्दू को हमने काट के अच्छे से धो के भी रख लिया है, अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, मैंने गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही कम रखा है। अब इसमें हम डाल देंगे तेल, तेज पत्ता भी डाल देंगे, मिर्ची थोड़ा तोड़ के डालेंगे, अब इसमें डाल देंगे कलौंजी भी, गैस को फ्लेम को हमने धीमी ही रखी है, ये थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं हींग भी, और ये अदरक जो कूट के रखी है वो डाल देते हैं। अगर आपको अदरक पसंद है तो आप अदरक स्किप कर सकते हैं। ये हमारा भून गया, अब हम डाल देंगे सब्जी। तो मिला लेंगे अच्छे से, अब
अब इसको धीमी आंच में 2 से 3 मिनट ढक के हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम अपना मसाला, हल्दी डाल देंगे, जीरा पाउडर भी, और नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसको ढक के हम करीब मीडियम आंच में बनाएंगे इसको ढक के, और बीच में चलाते रहेंगे करीब 10 मिनट के लिए। इसको छोड़ देते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। चलिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं सब्जी कैसी हुई है। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। मैंने 2 से 3 बार इसको बिजली से चला लिया है 10 मिनट के अंदर, और इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। ये फास्ट वगैरह के लिए, अगर ऐसा ही भी सिंपल सब्जी खाना हो तो ये बहुत अच्छा है, हेल्दी भी है और बहुत और टेस्टी भी बनती है। अगर फास्ट वगैरह बनाते हैं तो सेंधा नमक यूज़ करें, मैं तो नॉर्मल नमक यूज़ की हूँ अब सब्जी के लिए। और मैंने एक पैन बैठा रखा है, इसमें हम जो वाइट तेल लिए थे उसको हम इसको रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करना है। इसमें हमने पानी भी डाल दिया, और ऊपर से हम डाल देते हैं धनिया पत्ता भी। अब इसको ढक देते हैं, अब इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। ये रोस्ट हो गया है, अब इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसमें रोस्ट हो जाएगा, जैसे हल्का हल्का सा ब्राउन हो रहा है इस तरह से करना है इसको। अब ये रोस्ट हो चुका है, अब सब्जी भी 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, फिर इसको हम इसमें डालेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है सब्जी बनके। हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, मतलब ये पक गया है एकदम, इसको गला के एकदम ऐसा तरह से एकदम इसको मैश बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा टंग जैसा रहे तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हमारा बनके तैयार हो गया है। गैस को हम ऑफ कर देते हैं, और ऊपर से जो तिल हमने भुनी थी उसको भी डाल देते हैं थोड़ा सा। अब भुना हुआ तिल का जो खुशबू आती है बहुत अच्छी आती है। अब इसको ऐसे ही गर्मा गर्म कर से रोटी के साथ या चावल दाल सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अब ये हमारा बनके तैयार हो गया है, चलिए हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा कद्दू की सब्जी बनके तैयार है, गर्मा गर्म टेस्टी भी, और खाने में थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा क्योंकि हमने इसमें भुनी हुई तिल डाली है, तो इसमें एकदम सोना सोना सा एकदम एक फ्लेवर आएगी, तो इसका टेस्ट और बढ़ जाती है इसको जब तिल से बनाते हैं। तो सिंपल सब्जी बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगी, मसाला कम और हेल्दी भी, और खाने में उतनी ही टेस्टी। और थोड़े से मैंने तिल बचा के रखी हुई है, थोड़ा सा हम ऊपर से डाल देते हैं गार्निश के लिए ताकि अच्छा लगे। और तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर मेरे वीडियो में लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करना भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।